बेसिकली मेरा जो पर्सनल बाकी का मुझे बताने टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन मैंने जिस तरह से किया, सबसे पहले मैंने वो सेक्शन किया जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन थी। जैसे कि सबसे पहले मैंने बायोलॉजी का अटैम्प्ट किया, जो कि मुझे इस मैक्सिमम अटैम्प्ट मैंने वही किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रिति रमन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंस्पायरिंग एग्री कॉन्टैक्ट पे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मैं इस टाइम पे खड़ा हूं नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। अगर देखें अभी एग्जामिनेशन नीट का खत्म होने वाला है, देखते हैं आपको दिखाते हैं तो स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाहन इस टाइम पे खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा वाहनों की आवाजाही यहाँ पे है और पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों के यहाँ पे बिल्कुल बाहर इंतजार कर रहे हैं बच्चों का। तो थोड़ी देर में ही वन बाय वन यहाँ पे स्टूडेंट्स निकलेंगे, तो हम बिल्कुल आपको रिएक्शन बताएंगे कि स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है आफ्टर एग्जामिनेशन। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप किस तरह से पेरेंट्स बिल्कुल यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बस 5:20 हो चुके हैं, बस निकलने वाले हैं स्टूडेंट्स थोड़ी देर में। तो बाकी आपको रिव्यू अभी मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा, क्या रिएक्शन रहता है सभी स्टूडेंट्स का। चलिए देखते हैं हम अभी जब स्टूडेंट्स निकलेंगे। लेवल कैसा था? इजी टू मीडियम। ओके, बाकी फिजिक्स कैसी थी? इट वाज क्वाइट इजी देन द लास्ट ईयर। ओके ओके, बाकी अभी आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं? फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। लास्ट ईयर से कोचिंग वगैरह ली थी आपने? कोचिंग वगैरह ली थी। तो क्या लगता है कितना स्कोर कर पाओगे, कट ऑफ कितनी लगती है अगर इजी पेपर था? आई थिंक पिछले साल से इस बार 20 होगी वैसे। अच्छा, पिछले साल से थोड़ा कट ऑफ हाई लग रहा है। बाकी बायोलॉजी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना है आपका? ठीक थे वो भी। कौन से टॉपिक से ऐसा लग रहा है कि वेटेज ज़्यादा रही होगी? वैसे जो सेक्शन बी था उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे ना एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। ओके ओके, सेक्शन बी में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। ओके, बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपको रिकमेंड करना स्टूडेंट्स के लिए तो किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न को देख के या फिर लेवल को देख के, क्वेश्चन को लेवल को देख के? आई थिंक बेसिक्स हमको अपने पहले क्लियर कर लेनी चाहिए क्योंकि बेसिक से काफ़ी लेवल था इस बार। ओके ओके, बेसिक्स के लिए ठीक है गाइस, आपको बिल्कुल बेसिक इन्होंने कहा कि बेसिक आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनेशन लेवल काफ़ी अच्छा था, ईजी था काफ़ी हद तक। बायोजियोलॉजी का डिपेंड करता है ना, तो वैसे कौन सा मतलब बच्चा कौन सी प्रिपरेशन करता है। दूसरी बात जूलॉजी का और बॉटनी का, यानी कि बायोलॉजी काफ़ी अच्छा था। फिजिक्स केमिस्ट्री भी मतलब कि 100 में से 60 बोलूँगा डिफिकल्टी लेवल, मतलब मीडियम से थोड़ा ठीक था ज़्यादा। बाकी लेकिन बेसिक तो मतलब बाकी अगर जिसने पढ़ा हो अच्छे से बायोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आराम से। बाकी बुक्स से कौन सी स्टूडेंट्स को प्रेफर करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए तो देखो सबसे पहले NCERTs होती हैं सबसे पहले, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। बाकी मैंने जो स्पेशली पढ़ी थी वो MTG की बुक्स थी, स्पेशली MTG की फिंगर टिप्स। यस यस, मैंने बायोलॉजी के लिए बोली थी। बाकी सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा कोचिंग से भी गया था और NCERTs बेसिक से उससे करते हैं। क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए होंगे आपने? क्वेश्चंस मैंने सारे अटैम्प्ट नहीं किए, जितने आते थे मैंने उतने किए। बाकी जिन पे डाउट था वो मैंने छोड़ दिया मैक्सिमम। मैक्सिमम मैंने बायोलॉजी वाले अटैम्प्ट किए हैं, मतलब मैक्सिमम आधे से ज़्यादा मैक्सिमम कर लिया। बाकी मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जैसे आपका 3 and 20 minutes का एग्जामिनेशन है पेपर में, जो आपने इस बार जो लेवल था उस पेपर को, पेपर के लेवल को देख के नेक्स्ट ईयर के लिए? मैं जो बेसिकली मेरा जो पर्सनल बाकी का मुझे बताने टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन मैंने जिस तरह से किया, सबसे पहले मैंने वो सेक्शन किया जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन थी। जैसे कि सबसे पहले मैंने बायोलॉजी का अटैम्प्ट किया, जो कि मुझे इस मैक्सिमम अटैम्प्ट मैंने वही किया है। तो इस तरह से देखिए कि अगर आपको फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप फिजिक्स करना स्टार्ट कीजिए, तो आपके बाकी टाइम बचता रहेगा। पर मेनली कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि क्वेश्चन पे बार उसको पढ़ रहे हैं, डाउट है तो उसको छोड़ो और जो आता है उसके ऊपर आगे बढ़ो, ये चीज़। बाकी आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्या और कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैसे वो प्रिपेयर करें नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए मतलब कि प्रैक्टिस इज़ द की फर्स्ट थिंग। इस बार अगर मैं चाहता हूँ अगर जिसने भी दिया इनका हो जाए क्लियर, बट नेक्स्ट ईयर के लिए वही है, अगर थोड़े से रिमार्क्स वगैरह से रहते हैं तो उनको प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी जिनका बहुत ही कम आते हैं, जैसे कि मतलब कि 200 से कम इस तरह से, तो मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है मैं कहूँगा, या फिर ये चीज़ है। क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पेपर को लेवल देख के कि कितना कट ऑफ जा सकता है हिमाचल प्रदेश में? कट ऑफ इस बार मेरे हिसाब से देखे 500-600 के आसपास ही रहता है, और इस बार में भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो बाकी कहाँ से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली मंडी से ही हूँ, लेकिन ऐसे मैं धर्मपुर से हूँ, बेसिकली मंडी में रहता हूँ। मतलब आप प्रिपेयर कब से कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए? प्रिपेयर मैं प्लस 2 के बाद ही किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। अभी मेरा लाइट अटैम्प्ट था, ये ज़्यादा मैंने उस तरह से नहीं दिया था, मेरा फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट प्लस 2 के बाद ही था, उसके बाद से मैं लाइट अटैम्प्ट दे रहा हूँ अपने। अभी आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो परस्यू कहीं से? नहीं, मैंने कोचिंग ली थी एक इंस्टीट्यूट से, उसके हिसाब से, और MTG की बुक्स पढ़ता रहता था फिंगर टिप्स की, बस ये चीज़ है। सर थैंक यू सो मच। वगैरह से देखा जाए तो फिज़िक्स जो थी वो काफ़ी बेसिक आई थी इस साल,
जो केमिस्ट्री थी वो ऐसा था कि अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से ना, अगर ऑर्गेनिक के भी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है फालतू में, अगर वो कोचिंग का जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल देते हैं उसको अगर आपने नहीं पढ़ के अगर आपने एनसीईआरटी पे भी फोकस किया तो पेपर आसान था। और बायोलॉजी ओवरऑल बहुत ईजी थी, बायोलॉजी बहुत ईजी थी। नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि वो तैयारी कैसे करें? सर मैं यही बोलूँगा कि अब जब से एन टी आया है तब से एन सी आर टी पर फोकस करो, फालतू को कोचिंग का मटेरियल एंटरटेन मत करो। ओके जी, ओके। हाँ जी, बस ये था। और फिजिक्स ऐसा था कि सही थी, फार्मूला बेस्ड और थियोरेटिकल क्वेश्चन के बीच में बैलेंस था। आपको कितना स्कोर हो पाया, कितनी कट ऑफ का लगता है, कट ऑफ कितनी जा पाएगी? कट ऑफ सर क्योंकि पेपर ईजी था तो कट ऑफ तो नेचुरली हाई जाएगी। हाई जाएगी। बाकी आप यहीं से ही हो, हिमाचल से ही हो? हाँ जी, हिमाचल से। हिमाचल कहाँ से? मैं धर्मशाला से। ओके जी, ओके। बाकी तरह का टफ था पेपर? लेंथी था, काफी था। कौन सा सब्जेक्ट आपको लेंथी लगा? बायो और केम दोनों लेंथी थे इस बार। बायो और केमिस्ट्री आपकी लेंथी थी, तो क्या कहना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स को, किस तरह से जैसे आपने लेंथी बताया किस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए टाइम, और किस तरह से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए? क्या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए इस तरह का पेपर आपका हो, लेंथी हो? टाइम मैनेजमेंट पे करना चाहिए फोकस, और बाकी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हो जाएगा, एनसीईआरटी से बात कुछ भी नहीं आया था। बिल्कुल जी गाइज, इन्होंने ये भी बताया कि एनसीईआरटी पे फोकस आपको करना है, जितने भी रिव्यू हुए हैं जितने भी रिएक्शन है एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सर किस तरह का लेवल था क्वेश्चन पेपर का, जो लेवल था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें? पिछली बार से तो इजी था। पिछली बार से इजी था, तो हाँ। क्या लगता है कितना आपका कट ऑफ जा सकता है हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें? 530 से ज़्यादा। 530 का आपका एक्सपेक्टेड है? मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, उतना कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो इससे पहले आप कोचिंग ले रहे थे या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? मेरा, मैं भी डेंटल स्टूडेंट हूँ अभी, आईजीएमसी में डेंटल स्टूडेंट। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रिकमेंड करना चाहोगे आप स्टूडेंट्स के लिए? एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी प्रेफर करें? हाँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो देख के कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है? कट ऑफ नॉर्मल रहेगी जैसे पिछली बार की थी, वैसी ही सेम। हाँ सेम। तो आपका बाकी अगर लेवल की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का बताएं, तो किस तरह का आपका क्वेश्चन का लेवल था, कट ऑफ मॉडरेट तीनों सब्जेक्ट्स का? बायो इजी था, बायो इजी था, केमिस्ट्री भी इजी था, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट सा लेवल। कौन से? थैंक यू सो मच मैम। किस लेवल के थे, इजी था, मॉडरेट था, टफ था? फिजिक्स तो इस बार इजी आई थी काफ़ी ना, रिलेटिवली। हाँ मतलब पिछली बार के मुकाबले। अच्छा, और बाकी आपको अदर सब्जेक्ट? बायोलॉजी थोड़ी सी मेरे को लेंदी लगी हल्की सी, बाकी थी तो एनसीईआरटी बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ थे है ना। ओके जी, ओके। और केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल की थी। केमिस्ट्री मॉडरेट थी। हाँ, तो क्या लगता है कितना स्कोर कर पाएंगे? 550 तक तो मैं सोच रहा हूँ, 500 प्लस तो आनी चाहिए एटलीस्ट। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल देखें, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितने जाने के चांसेज है हिमाचल प्रदेश में अगर देखें? ऐसे तो आइडिया नहीं, 490-500 के अराउंड, 510 इतना ही। बाकी अभी आप प्रिपेयर कब से कर रहे हैं, आपने ड्रॉप आउट किया था कि? हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट आपका? नहीं नहीं नहीं, मैंने ड्रॉप किया था मैंने। अच्छा, हाँ जी, ड्रॉप आउट किया है। हाँ जी। तो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए आपको रिकमेंड करना हो किस तरह से उन्हें स्टडी करनी चाहिए और क्वेश्चन पेपर का लेवल देख के? वही है, बायो में तो एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, और फिजिक्स में नोट्स वगैरह अपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हो वो सही रहते हैं। और हाँ बाकी गाइज इनका ये कहना है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, बाकी अदर स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है, क्योंकि एनटी का जो पेपर होता है एनसीईआरटी बेस्ड नीट का पेपर आपका होता है, जिसमें आपको बायोलॉजी के लिए उन्होंने एनसीईआरटी बिल्कुल कहा है, केमिस्ट्री के लिए उन्होंने एनसीईआरटी कहा है, वही आपको रीड करनी है। बाकी फिजिक्स के लिए क्या कहना है आपको? फिजिक्स के लिए जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ उनको अपने टीचर को फॉलो करो और उनके नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज करते रहें और टेस्ट वगैरह वो नॉर्मली देते रहें रेगुलरली। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको बिल्कुल टेस्ट वगैरह रेगुलर देते रहना है नेक्स्ट ईयर के लिए। बाकी सर थैंक यू सो मच। बाकी ठीक था, बढ़िया था, अच्छा था। और मतलब अगर सेपरेटली बात करें सब्जेक्ट को लेके, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स पिछली बार से जितनी ट्रिकी पिछली बार थी उतनी नहीं थी इस बार, फिजिक्स इजी थी, बाकी केमिस्ट्री ओके सब कुछ, बाकी बायो थोड़े एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओके जी, बायो में एसर्शन रीजन वाले, तो उसमें बंदा मतलब ओवरऑल पेपर इजी था। कौन से टॉपिक से ज़्यादा रहेगी बायो में? सर वही जो हर साल होती है, सब वही है। बाकी आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है हिमाचल प्रदेश में? सर कट ऑफ तो ऐसा लगता है जैसे पिछले साल की मुकाबले देखें तो मतलब एक टाइम से लगता है अभी कट ऑफ जो है अपनी सैचुरेशन पे आ चुकी है। ओके जी, ओके। तो उतनी या एक दो नंबर ऊपर नीचे बस, बाकी पढ़ने वाले सर हर जगह बैठे हैं जो। हाँ जी, ये तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी आपका क्या कहना है नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए? पढ़ाई करो और क्या। ओके सर, धन्यवाद। दुनिया बहुत तेज है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, तो अपना फ्यूचर सिक्योर करो। ओके,
पढ़ाई लिखाई करो बस। बिल्कुल गाइस, इनका स्टूडेंट्स यही कहना है कि पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि अब बिना पढ़ाई के नहीं होने वाला, कंपटीशन लेवल इतना बढ़ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स के रिव्यू को देख के मुझे यही लग रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था, वो जो लेवल की अगर बात करें हम, तो अगर फिजिक्स की बात करें या फिर फिजिक्स काफ़ी ईजी इस बार लग रही थी, तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का जो था थोड़ा सा लेंथी पेपर था, एसरेशन और रीजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपके आ गए थे। और बाकी केमिस्ट्री का भी जो लेवल था मतलब ठीक ठाक लेवल था, इजी पेपर था। हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो कट ऑफ है पिछली बार की तरह कट ऑफ रहे, या फिर 5-10 नंबर ऊपर नीचे आपकी रह सकती है। और बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कराना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। सो गाइस, आपने बिल्कुल रिएक्शन देख लिया, और जो कैमरा मैन थी जिसने वीडियो बनाई वो अजय शर्मा है। बिल्कुल इनके लिए एक लाइक बन जाए यार वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन्होंने कैमरा पकड़ा था, काफ़ी ज़्यादा रश था बहुत। और ये इंस्पायरिंग एयरकॉन टीम मेंबर है अजय शर्मा जी है, काफ़ी ज़्यादा ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, जब आपकी काउंसलिंग हो और प्रोसीजर हो तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बाकी यार लाइक बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जल्दी से फॉलो कीजिए।